टेलर कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे को आज जयपुर में NIA कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि NIA इनको रिमांड पर लेने की मांग करेगी। वहीं NIA ने उदयपुर जिला कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई है कि दोनों हमलावरों और हत्याकांड से जुड़े दस्तावेज व अन्य सबूत को उनके सुपुत्र किया जाए। अदालत इस आवेदन पर आज सुनवाई भी कर सकती है। आपको बता दें कि उदयपुर कर्फ्यू के बीच आज दोपहर 3 बजे जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। इस बीच हत्यारे गौस मोहम्मद और रियाज जब्बा को उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं हत्या की जांच को लेकर NIA की टीम गुरुवार रात कानपुर भी पहुंची। यहां कई जगहों पर छापेमारी भी की। हत्यारों के पास से बरामद दस्तावेज से कानपुर कनेक्शन के बाद यह कार्यवाही हुई है। इधर शुक्रवार को चौथे दिन भी राजस्थान में इंटरनेट बंद है। हिंसा ना हो सके इसके लिए धारा 144 भी लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।